तेरे को समझ में नहीं आ रहा एक बार में नहीं आ रहा ये दिख रही है तेरे को ऐसा लगे पिछवाड़े पे मारी ना खून आ जाएगा अंदर से। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मेरे साथ में है अमित कुमार, ये मेरे मतलब मेरे दोस्त के जानकार में हैं। सो यार काफ़ी समय से मेरे को भी जानते हैं कि दोपहर पहले इनसे मिलना भी होता, कुछ समय पहले इनकी शादी हुई थी, अभी देख भी सकते हैं। अच्छा क्या नाम रखा है गुड़िया का? नीलाक्षी। नीलाक्षी तो भाई बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। तो यार भाई आपको बहुत खुश नज़र आ रहे होंगे और गुड़िया भी आपको बहुत खुश नज़र आ रही होगी, लेकिन है ना मतलब जो इनकी प्रॉब्लम थी ना वो बहुत ज़्यादा एक अजीब थी मुझे सुनने में, मेरे को खुद के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ ये शेयर करें और फिर अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो हम उसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे वो आप वीडियो में देखना। तो मैं अमित भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। एक्चुअली क्या हुआ कि करीब 2.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। हाँ 2.5 साल पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी तो खैर 8 महीने की हमारा बेबी भी है ये, तो मेरी वाइफ जो है ना मतलब किसी और से उसका कुछ चक्कर वक्कर हो गया था। अच्छा मतलब पहले की बात है? हाँ नहीं मतलब हुआ तो खैर शादी के बाद ही था। अच्छा तो उसे चक्कर हो गया था, बट ये है कि एक होता ना जैसे कि छुप छुप के मिलना, तो लेकिन यार वो क्लियरली मिलती है, क्लियर आपको बता के मिलती है कि मुझे बता कर मिलती है। अब यार खुद सोचो कि अगर किसी की वाइफ अगर कुछ ऐसा करे तो यार उसके दिल पे क्या गुजरती है। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन में वो बंदा फंस जाता है कि या तो सुसाइड कर ले या वो करेगा, उसके बाद सुसाइड के अलावा और कोई सुसाइड नहीं रहता यार। घर वालों से मतलब इस बारे में कोई बात हुई इस बारे में? यार मैंने क्या कहा कि बंदा सुसाइड करने की सोचता है, क्योंकि ऐसी बातें घर वालों को भी नहीं बताई जाती ना, क्योंकि अगर घर को पता चलेगी तो फिर धीरे धीरे कोई ना कोई बात ना कैसे पूरे रिलेटिव्स पे जाती है। इस बेबी की नीलाक्षी के बारे में नहीं सोचते क्या? बिल्कुल भी यार, अगर सोचते तो फिर करते क्यों यार। तो आपने मतलब जानने की कोशिश करी कि वो लड़का कौन है और क्या मतलब क्या स्टेटस है? मतलब हो सकता है, जानता तो हूँ, बट ये है कि जब वो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो खुद से अगर आए तो मैं उसको मारूं भी पिटूं भी उस लड़के को, लेकिन जब अगर वो खुद जा रही है तो फिर मैं उस लड़के को मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ ना आप। सही बात है यार, भाई ने मतलब बताया हुआ आपको। तो क्या है कि गाइस इनकी बीवी है ना, कई बीवियाँ होती हैं जो छुप छुप के करती है, हस्बैंड को पता ही नहीं चलता, लेकिन इनकी बीवी इनको, आपको कोई धमकी वगैरह भी सुना था मैंने, आपने बताया मेरे को धमकी वगैरह मिलती, केस वगैरह? धमकी वगैरह क्या यार, देखो अब उसको मैं रोकता हूँ तो उसके लिए तो वो गलत ही है ना कि मैं उसको रोकता हूँ, फिर वो गुस्से में आके तो मुझे बोलती है सब कुछ कर दूंगी, बट ये कम से कम यार बेबी के बारे में तो सोच ले एटलीस्ट। तो यार मतलब कितनी गलत बात हो रही है इनके साथ, क्योंकि ये ना कहीं पर प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते। आज ही मेरे को तो पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी भाई ने कहा कि भाई मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता, तो मैंने कहा भाई मास्क पहन लो यार, किसी से शेयर नहीं की जाती। हाँ शेयर नहीं कर सकते। तो यार इनको, यार जिस पार्क में हम लोग बैठे हैं ना, इनकी बीवी उसी पार्क में किसी और व्यक्ति से मिलने के लिए आई हुई है, आप मतलब पक्का कन्फर्म है भाई ये वाला? बिल्कुल। तो हम लोग जाके भाई उनको ढूंढने वाले हैं, एक्सपोज होगा लेकिन दोस्तों नॉर्मल नहीं होगा, आज का वीडियो बहुत तगड़े वाला बनेगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना। और चलो यार अभी आप लोग वीडियो देखो, हम लोग अगर उनको ढूंढते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उनको ढूंढ के पूरा का पूरा एक्सपोज देखना। तो अभी नेक्स्ट पोर्शन देखो वीडियो का। हामिद भाई वही है जो उधर बैठे हुए हैं, ये ग्रे कलर की टी-शर्ट वाला जो है ना, कैमरा मैन रिक्वेस्ट करूंगा तेरे से, साथ में जो लड़की बैठी है मैं बैक साइड से देख रहा हूँ। हाँ अमित भाई बता रहे हैं ग्रे कलर की पैर रखी है उसके, हाँ उसके आगे जाके कैमरा सेट कर लियो ऐसी जगह कि हम लोग उनके पास आए तो पूरा अच्छे से शूट हो पाए, एक बार उनको दिखा दे। हाँ ये जो अब जो सब सर पे आते लगा, ठीक है ठीक है, उधर जाके अच्छे से सेट कर ले, हमको आने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, अभी नहीं जाएंगे, पहले तू अच्छे से कैमरा सेट कर ले फिर जाएंगे हम लोग, ठीक है चलो उधर चलते हैं। क्या दिक्कत है? क्या भाई खड़े हो? अरे हुआ क्या भाई, तो खड़ा हो, समझ में नहीं आ रहा क्या, एक बार में खड़ा हो। अबे हुआ क्या बताएगा, नाम क्या तेरा? तबरेज। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है तेरे को दिखाई नहीं? कौन है ये बताओ? आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन है ये बता? मैं मेरे से बात कर। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे से बात कर। हां क्या चल रहा तेरे को भाई? चोट ना खावे ज्यादा, बता रहा हूं ना कौन है, तू नाम बता दे भाई। तबरेज नाम है भाई, समझ में नहीं आता क्या? कौन जानता है इनको? कौन है? तू नहीं जानता भाई? तू जानता है क्या? यही कर रहे हो ना तुम, यही कर रहे हो ना तुम, ये शर्म नहीं आती भाई? तुझे, अरे तुझे तो पता होगी ना कि मैरिड है। सुन अरे तो भाई शर्म आएगी जब देख जरा। नहीं, नहीं, नहीं ये बता मेरे को, ये तेरे को पता है किसका बच्चा है? हाँ भाई किसका है ये? इनका है भाई। तू फिर तू इनके साथ में क्या कर रहा है मेरे को ये बता। अबे भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है? वो पता है कौन है भाई? वो जो भी हो, कौन है वो भाई? मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? जो भी साले को उल्टा हाथ का मारूंगा, समझ नहीं आ रहा भाई? जब वो रेडी है देखो ना,
क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए दोबारा से जरा भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो इसकी साले के ऐसा रप्ट मारूंगा ना उधर जाके पड़ेगा, मार के दिखाना। समझ में नहीं आ रहा तेरे को एक बार में? हाथ हटा, तेरे को पता है ना ये, तेरे को पता है ना इनका, ये इनके हस्बैंड है, ये इनका बच्चा है, तो तू यहाँ पे ऐसे तैसे करवाने के लिए बैठा है क्या भाई? ऐसे तैसे क्या बात है, जब भाई वो रेडी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हो जाऊँ रेडी? मैं भी हो जाऊँ रेडी? यूँ कर खींच दे यहाँ से, चल जा। नहीं जा रहा भाई, क्या कर लेगा? तेरे को समझ में नहीं आ रहा एक बार में? नहीं आ रहा, ये दिख रही है तेरे को? साले के पिछवाड़े पे मारी ना खून आ जाएगा अंदर से, तेरे को समझ में नहीं आ रहा एक बार में? नहीं आ रहा, ये दिख रही है तेरे को? साले के पिछवाड़े पे मारी ना खून आ जाएगा अंदर से, समझ में नहीं आ रहा? कह दिया चला जा। इधर 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 भाई, निकालू? नहीं भाई रहने, निकालू? नहीं ना तो भाई। क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा? कह दिया चला जा, जा नहीं सकता? पागल हो गया भाई, जा नहीं सकता क्या? जा रहा हूं ना, जाएगा जाएगा नहीं जाएगा? जा रहा हूं। खींच दे इधर से भाई, चल। गलती तो ये मेरी है, पागल है? गलती तो समझ में नहीं आ रहा तेरे को एक बार में? गलती तो मेरी साइड से है ना, अब मैं मेरे पास बताओ ना, पहले तो माफ करूंगा, माफ करियो अगर गाली गोली दी हो, जानकार है मेरा, आप नहीं जानते हो शायद, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत गंदी हरकत थी, ठीक है? ऐसा ही नहीं है यार, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी के भी साथ रहूं? किसी, इनको तो प्रॉब्लम है ना, ये क्या बात होती है, इनको तो प्रॉब्लम है ना, आप अपने बच्चे को तो देख लो, और अभी भी ये देख लो कि एक बार भी गोदी में नहीं लिया, देख लो सुरेंद्र भाई, ये किस लिए पैदा कर रखा है अपने, मेरे को ये तो बता दो, अभी भी एक बार भी गोदी में नहीं लिया तो भाई यार वो ये देखेंगे ना, वो इनकी प्रॉब्लम क्या, ये देखेंगे क्यों पैदा किया है फिर? नहीं देखेंगे तो क्यों शादी करी? अगर ऐसे काम करने थे तो किसी और, कोई और मिल जाती, अब ना तो 2 साल बाद मिल जाती इसको, यही काम करने थे फिर? जिंदगी तो खराब ना करो कम से कम। तुम होते कौन हो यार? तुम होते कौन हो? क्या मेरे को मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले तुम कौन होते हो? और यार तुम क्या है? मुझे मेरे पास इसको ले लो, इसकी नहीं, आपको बच्चा नहीं है क्या? ये आपको बच्चा नहीं है क्या? भाई ने ले रखेगा, इसके अकेले की जिम्मेदारी? वही तो देखा तुम्हारे सामने, थोड़ा सा तो वो करो, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है क्या? और क्या डिवोर्स की क्या बात करो, क्या करोगे? केस की धमकी यार, मेरा जीना आराम कर रखा है, मैं क्या करूं? ये किस लिए कमा रहा है? मेरे पास तुम्हारे लिए और इसके लिए कमा रहा है, अपनी फैमिली के लिए कमा रही है, अपने बच्चों के लिए कमा तो तुम्हारे लिए, तुमको नहीं दे रहा क्या? रोटी नहीं मिल रही तुमको घर पे? रोटी नहीं दे रहा क्या भाई इसको घर पे? क्या बताओ यार, बताऊँ क्या? अब देख रहे हो बच्चे तक को यार इसको प्यार नहीं, चलो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो बच्चा तो यह है यार, ध्यान ही नहीं आपको कुछ भी, मेरे पास केस के बाद, ठीक है? आपको केस करना ना कर देना, भले भाई ने मेरे को बताया था, अब मेरे को जानती नहीं होगा, आपने कह दिया कौन है कौन है तो बता देता हूँ। नहीं जानते यार मैं आपको, और आपको कोई हक नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। हक नहीं है, भाई था मेरा इसलिए, मेरे पास सुनो, भाई था मेरा इसलिए आ गया, मेरे को कोई हक नहीं है, जो चाहिए था मेरे को वो मिल गया, आप जिसके साथ थे हमने वो भी देख लिया, जो केस करने की धमकी दे रही थी पहले भी दे रही थी और अब भी दे रही है ना, वो भी देख लिया, वो देख पहले तो उधर कैमरा लग रहा है, पीछे देख लो उधर दिख रहे, हमने लगवाया जान करके वो, तो जासूसी? हाँ मेरी बात सुनो, जासूसी की नहीं है, प्रैंक वीडियो चल रही है, प्रैंक वीडियो नहीं है, ये तो सच्चाई है, सच्चाई थी, ठीक है? मेरे को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, हमको शौक नहीं था इस चीज का, मैं आपको वो देखो पहले उधर उधर देख लो एक बार ध्यान से देख लो, उधर कैमरा चल रहा है, वॉइस वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है वहाँ पे, अगर तुम्हें केस करना है ना भले फ्री माइंड से जाओ, कहीं पे भी केस करो, फ्री माइंड हो कहीं पे जाकर केस करो, बस हमको वो चाहिए था ना वो मिल गया, जो तुम केस करने की धमकियाँ दे रही थी ना, इसके पास तो कुछ था ही नहीं भाई के पास, भाई सुसाइड के ऊपर आ चुका था, ठीक है? लेकिन बच्चे को देखो यार, आप तो वो करो यार, मैं ऐसा डिप्रेशन में यार, मैं अपना ऑफिस धंधा देखूँ यार, बच्चे को देखूँ मैं, और घर वालों को मैं कुछ बता नहीं पाता, केस नहीं तुम नहीं केस ये कर देगा भाई, अभी इसके पास काफ़ी सारे प्रूफ आ चुके हैं, हम कर देंगे केस, हम देख लेंगे अपना, आप अपना जो भी आपका था ना उसके साथ में रहना अपना आराम से, ठीक है ना? आपको खुश खुश रहोगे उनके साथ में, रह लेना खुश। चलो यार ठीक है यार, माफ कर दो यार मुझे। क्या माफ कर दो? क्या बोला यार, माफ कर नहीं दोबारा से, थोड़ी सी देर पहले आपने क्या बोला था, मैं तो उसी के साथ रहूंगी, आपकी लाइफ में मेरे चांस ही नहीं है, अभी क्या हो गया, चांस हो गया क्या भाई का आपकी लाइफ में? नहीं यार ठीक है, गलती हो गई यार मुझसे, गलती, ये गलती थी क्या? गलती क्या होती है ना, सम गलती अलग होती है, गलती गलती ये जानबूझ के है यार, ये गलती नहीं थी, गलती क्या भाई? ये तो मैं आपका बहुत थैंक यू, मतलब मैं तो आपका थैंकफुल हूँ, ये गलती नहीं थी भाभी, ग्रेटफुल हूँ, जो कि ना मतलब आपने मेरा साथ दिया, जो आज मेरे पास जो है ना ये प्रूफ है, आज मेरे पास प्रूफ है, मतलब आज मैं तो खुद को ना मैं थोड़ा सिक्योर में फील कर रहा हूँ। नहीं नहीं गलती, डिप्रेशन में आ रहा बंदा, ये मरने के लिए दौड़ रहा था कि भाई मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तब मैं इसके पास आया था, आपको पता ही नहीं है, आप इधर मतलब गुलछर्रे उड़ा रहे हो, आपके बच्चे की परवाह नहीं है, हस्बैंड की परवाह नहीं है, और आप कह रहे हो गलती हो गई, ये गलती थी क्या भाई? किसे कह रहे हो,
ये नहीं मानने वाली यार, अगर मानने वाली होती तो पहले ही मान जाती। भाई मेरी बात सुन, सीधा बता रहा हूँ तेरे ऊपर है, मेरी बात सुन भाई, तेरे ऊपर डिपेंड है, माफ करेगा नहीं करेगा तुम्हारी लाइफ है, एक दोनों की एक दूसरे। भाई मैं तो यार एक बात कहता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ यार, माफी वाफी सब एक तरफ गई, कभी बच्चे को देखे घर में रहे यार, एटलीस्ट यार इस बच्चे को तो देखे। मेरे को मैं मेरे पास मुझे धमकी और देते बात सुनो भाभी, मेरे को आपकी बात पे ना जरा सा भी विश्वास नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं। लिटरली बताऊं, जो आपने पहले जब किया ना किस कर दूंगी इसके साथ रहूंगी, मेरे को नहीं है विश्वास, और भाई ने हो या नहीं हो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो वीडियो ना मैसेज स्टोर रहेगी मेरे पास, यूट्यूब पर भी जाएगी, उधर पता चल जाएगा। अगर भाई ने कभी भी वीडियो मेरे से मांगी ना, भाई को वीडियो दूंगा, सबकी शक्ल आएंगी, आपका सबका सारा कुछ आएगा भाई, तो वो लड़का भी आ जाएगा, वो लड़का भी आएगा, ठीक है, पूरा रहेगा जब तक आप सुधर के रहोगे, भाई के साथ में रहोगे, ठीक है, अदरवाइज केस आप नहीं करोगे, केस भाई साहब करेंगे, आपके ऊपर है वो, ठीक है। अगर सही रह जाए तो खुश रह लियो। चलो भाई माफ़ करना यार, कोई गलती हो तो, ठीक है भाई। सुरेन भाई बहुत थैंक यू यार आपका, आपके से मुझ पर एक प्रूफ तो आ गया एटलीस्ट। भाई कोई दिक्कत नहीं है, कभी बता देना, नहीं मैं बाकी यार तुम्हारी लाइफ वीडियोस वगैरह की भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक बार यार सुधर जाए, मुझे यार क्या करना है वीडियोस का, ठीक है, चलो थैंक यू। चलो ठीक है भाई। सो फाइनली गाइज, कैसी लगी वीडियो, आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, मज़े भी आए होंगे देख के, और भाई वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, जो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दबाया जा रहा है, फटाफट दबा दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी मस्ती के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।